Assalamualaikum viewers, welcome to Academia Coaches. The topic of my tutorial lecture is ribosomes. The cell, which can be prokaryotic or eukaryotic cell, the cell contain many tiny granular structures. अगर हम सेल को स्टडी करें यूकैरियोटिक सेल को या प्रोकैरियोटिक सेल को, तो सेल में टिनी ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स वो पार्टिकल्स हैं जो लार्ज नंबर में प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन लार्ज नंबर इन ऑल द लिविंग सेल, एंड द राइबोसोम्स serve as site for protein synthesis, site of protein synthesis. Ribosomes small tiny particles होते हैं जो present होते हैं both eukaryotic और prokaryotic cell में, और ये present होते हैं large number में और serve होते हैं as a site for protein synthesis. Protein synthesis होती है वो carried out होती है in the ribosomes. Ribosome can be present as free particles or they are associated with the endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum के साथ भी associate होते हैं ribosomes with endoplasmic reticulum, और ये freely भी present होते हैं in the cytoplasm, freely in cytoplasm. तो हमने कहा कि राइबोसोम्स होते हैं वो दो तरह से एग्जिस्ट करते हैं विद इन द सेल. पहली इनकी जो होती है वो राइबोसोम्स एग्जिस्ट करते हैं, या तो वो राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये फ्रीली प्रेजेंट होते हैं विद इन द साइटोप्लाज्म. फ्रीली भी प्रेजेंट हो सकते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड भी होते हैं यूकैरियोटिक सेल में. नाउ हु डिस्कवर और हु स्टडी राइबोसोम्स? राइबोसोम्स का जो टीनी पार्टिकल्स हैं उनको सबसे पहले स्टडी किसने किया था? तो फर्स्ट साइंटिस्ट हु स्टडीड द राइबोसोम वाज रोमानिया का सेल बायोलॉजिस्ट, रोमानियन सेल बायोलॉजिस्ट जॉर्ज ई पैलेडी. जॉर्ज ई पैलेडी वाज द साइंटिस्ट and he was cell biologist who studied the ribosome in 1955. So ribosomes jo the wo discovered hue the by the Romanian cell biologist George E. Paladay in 1955, aur usne jo found kiye the wo frequently associated the with endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum associated ribosomes jo the wo found hue the by the scientist Paladay. Ribosomes, the ribosomes are made up of protein plus RNA. Protein और RNA के बने हुए होते हैं ribosomes. अगर हम देखें with reference of prokaryotes और prokaryotic cell, तो prokaryotic cell में जो protein की amount होती है और average होती है वो 40% protein होती है और 60% ribosomal RNA present होता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स. वाइल द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स जो होते हैं, अगर हम यूकैरियोटिक राइबोसोम्स को देखें तो वो मेडअप होते हैं इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्लस आरएनए, इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए प्लस प्रोटीन, इक्वल अमाउंट होती है आरएनए और प्रोटीन की विद इन द यूकैरियोटिक सेल. ड्यू टू इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर नोन एज राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स. इक्वल अमाउंट ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन्स की प्रेजेंट होती है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स पार्टिकल्स. और द आरएनए व्हिच इज प्रेजेंट इन द राइबोसोम्स इज नोन एज राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और आरएनए. मैंने कहा कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो मेडअप होते हैं प्रोटीन के और आरएनए के. अगर हम जैसे कि मैंने कहा कि वे प्रेजेंट होते हैं बोथ इन यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में, अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल के रेफरेंस से देखें तो 40% प्रोटीन की होती है एंड 60% राइबोसोमल आरएनए होते हैं.
यूकैरियोटिक जो होते हैं वो इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए प्लस प्रोटीन होती है। जितना प्रोटीन होगा 50-50 कर लें हम, 50 आरएनए होगा और 50 प्रोटीन होगा, तो उसके मैटअप होते हैं। तो इसी वजह से इन्हें हम कहते हैं राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स। और जो आरएनए प्रेजेंट होता है राइबोसोम्स में, उस आरएनए को हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए और स्मॉल आर आरएनए। ईच राइबोसोम इज मेडअप ऑफ टू सब यूनिट्स, दो सब यूनिट से बना हुआ होता है, ए लार्ज सब यूनिट एंड ए स्मॉल सब यूनिट। और जो लार्ज सब यूनिट होता है उसकी भी, और स्मॉल सब यूनिट जो होता है उसकी भी करेक्टरिस्टिक शेप होती है। दी टू सब यूनिट्स, लार्ज और स्मॉल सब यूनिट्स आर रेफर्ड इन टर्म ऑफ देयर सेडिमेंटेशन रेट, सेडिमेंटेशन रेट। उनको हम सेडिमेंटेशन रेट जो होता है उसके साथ जो होते हैं वो रेफर करते हैं। सेडिमेंटेशन रेट क्या होता है? सेडिमेंटेशन रेट वो रेट होता है जिस पे जो भी पार्टिकल होता है वो सेटल डाउन होता है, उसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन रेट। और उसका जो यूनिट होता है वो मेजर्ड होता है इन स्विट बर्ग यूनिट एस, स्विट बर्ग यूनिट और एस। और स्विट बर्ग यूनिट जो है वो यूनिट है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन का। स्विट बर्ग यूनिट इज यूनिट ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन वो टेक्निक होती है जिसकी मदद से हम पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं फ्रॉम द सॉल्वेंट। कोई भी सॉल्यूशन हो उसमें से हम डिफरेंट पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। फॉर एग्जांपल ये एक सॉल्यूशन है, इसमें डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल दीज आर डिफरेंट पार्टिकल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन और सॉल्वेंट, एनी टाइप ऑफ सॉल्वेंट। जब हम इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस से जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे फ्रॉम द सॉल्वेंट। सो हियर आर ओनली पार्टिकल्स विच आर सेपरेटेड फ्रॉम एनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन का जो यूनिट है वो होता है स्विटबर्ग यूनिट। तो इस राइबोसोम्स को हम रेफर करते हैं टू स्विटबर्ग यूनिट दैट इज एस। ओके, मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ गया होगा कि दो सब यूनिट्स होते हैं राइबोसोम में, लार्ज और स्मॉल सब यूनिट। दोनों सब यूनिट को हम रेफर करते हैं एज ए सेडिमेंटेशन रेट। सेडिमेंटेशन रेट क्या है? जो उसका यूनिट है वो है स्विटबर्ग यूनिट। स्विटबर्ग यूनिट जो है वो है यूनिट ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम डिफरेंट पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं फ्रॉम ए सॉल्वेंट और ए सॉल्यूशन। ईच यूकैरियोटिक राइबोसोम मेड अप ऑफ टू सब यूनिट्स, द 40S स्मॉल सब यूनिट, दिस इज स्मॉल सब यूनिट, एंड ए 60S लार्ज सब यूनिट। जो यूकैरियोटिक राइबोसोम है उनमें 40S और 60S सब यूनिट प्रेजेंट होते हैं, और ये दो सब यूनिट जब कंबाइन होते हैं 40S और 60S प्लस सब यूनिट, देन दिस सब यूनिट इज नोन एज 80S पार्टिकल। 40S और 60S सब यूनिट जब इकट्ठे होते हैं, एक 40S होता है एक 60S होता है, जब वो इकट्ठे होते हैं तो वो पार्टिकल इज नोन एज 80S पार्टिकल। एंड द अटैचमेंट ऑफ 40S पार्टिकल टू द 60S पार्टिकल इज कंट्रोल्ड बाय द मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन। हमने कहा कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो कैरीड आउट करते हैं और साइट होते हैं फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। सो मैसेंजर आरएनए के साथ ये हमने कहा 5' एंड हो गया मैसेंजर आरएनए का, 3' एंड हो गया मैसेंजर आरएनए का। तो जो स्मॉल सब यूनिट होता है, स्मॉल सब यूनिट होता है इसका राइबोसोम का, वो फर्स्ट बाइंड करता है विद द ग्रोइंग मैसेंजर आरएनए, एंड देन द लार्ज सब यूनिट बाइंड विद द ग्रोइंग चेन। 60S सब यूनिट बाइंड विद द ग्रोइंग चेन, दिस इज ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन दिस 40S सब यूनिट, 60S सब यूनिट एंड पॉलीपेप्टाइड चेन। व्हेन द पॉलीपेप्टाइड चेन इज कंप्लीटेड, और पॉलीपेप्टाइड चेन जब पूरी बन जाती है, देन पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है, एंड 60S सब यूनिट और 40S सब यूनिट सेपरेट हो जाते हैं। इसीलिए हमने कहा कि ये जो दोनों होते हैं 40S और 60S सब यूनिट, ये इन्वॉल्व होते हैं इनटू द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। और ये प्रोसीजर होता है कि सबसे पहले जो होता है स्मॉल सब यूनिट अटैच होता है विद द मैसेंजर आरएनए, देन लार्ज सब यूनिट अटैच होता है। पॉलीपेप्टाइड चेन ग्रो करती रहती है, जब कंप्लीट हो जाती है पॉलीपेप्टाइड चेन डिटैच हो जाती है, और स्मॉल एंड लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट भी सेपरेट आउट हो जाते हैं। ये तो हो गया यूकैरियोट्स का। अब जो होता है प्रोकैरियोट्स में, द प्रोकैरियोट्स कंटेन, प्रोकैरियोट्स राइबोसोम के जो दो सब यूनिट होते हैं दैट इज स्मॉल 30S सब यूनिट
एंड लार्ज 50S सब यूनिट. दिस इज स्मॉल सब यूनिट एंड दिस इज लार्ज सब यूनिट ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम. और अगर हम राइबोसोम्स की असेंबली देखें तो राइबोसोम्स जो होते हैं दे आर असेंबल्ड इन द न्यूक्लियोलस ऑफ द न्यूक्लियस. इट इज न्यूक्लियोलस ऑफ द न्यूक्लियस. और यहां से ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं टू द साइटोप्लाज्म. और ये ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू द पोर्स विच आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो पोर्स होते हैं उनकी हेल्प से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं राइबोसोम्स टू द साइटोप्लाज्म. सो जो फैक्ट्री है राइबोसोम्स की दैट इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज कॉल्ड द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स. एंड देन द प्रोटीन सिंथेसिस इज टेक प्लेस इन द राइबोसोम्स. तो सिंपल वर्ड्स में हम कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस की जो फैक्ट्री है और प्रोटीन की फैक्ट्री हम कहते हैं राइबोसोम्स को, और हम राइबोसोम्स की फैक्ट्री कहते हैं न्यूक्लियस को. नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ राइबोसोम्स. कि राइबोसोम्स के फंक्शन कौन से है, पहले हमने देख लिया राइबोसोम्स होते क्या है, राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर क्या है, किस चीज से बने हुए होते हैं. प्रोकैरियोट राइबोसोम और यूकैरियोटिक राइबोसोम दोनों के रेफरेंस से हमने स्टडी कर लिया. अब हमने स्टडी करना है कि फंक्शन क्या है राइबोसोम का. द फर्स्ट फंक्शन ऑफ राइबोसोम इंक्लूड इट असेंबल, ये असेंबल करते हैं अमाइनो एसिड्स को, अमाइनो एसिड्स. और अमाइनो एसिड्स को असेंबल करते हैं टू फॉर्म प्रोटीन्स, टू फॉर्म प्रोटीन्स. और प्रोटीन्स जो होती हैं वो कैरीड आउट करती हैं डिफरेंट सेलुलर फंक्शन. प्रोटीन्स कैरीज डिफरेंट सेल्यूलर फंक्शंस. तो पहला जो हमने कहा फंक्शन राइबोसोम का वो है कि असेंबल करती है अमाइनो एसिड्स को टू फॉर्म प्रोटीन. एंड अदर फंक्शन ऑफ राइबोसोम इंक्लूड डीएनए प्रोड्यूस मैसेंजर आरएनए. डीएनए प्रोड्यूस मैसेंजर आरएनए बाय द प्रोसेस ऑफ डीएनए ट्रांसक्रिप्शन. क्योंकि मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस होगा तो जाके आगे प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगी. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ राइबोसोम. एंड अदर फंक्शन ऑफ राइबोसोम इंक्लूड मैसेंजर आरएनए इज सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियस. मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियस. आफ्टर सिंथेसाइजिंग इन द न्यूक्लियस इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट हो जाता है मैसेंजर आरएनए. पहले जो होता है सिंथेसाइज होता है न्यूक्लियस में, फिर ट्रांसपोर्ट हो जाता है इनटू द साइटोप्लाज्म. और वहां जाके ये बाउंड होता है अराउंड मैसेंजर आरएनए पॉलीमर. बाउंड विद मैसेंजर आरएनए पॉलीमर. और फिर जाके जो होता है वो ट्रांसफर आरएनए अटैच होता है और वो सिंथेसाइज करता है प्रोटीन को. सबसे पहले मैंने कहा कि मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस में सिंथेसाइज होता है, देन साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट होता है. वहां जाके ये आरएनए पॉलीमर के साथ बाउंड होता है और फिर उसके साथ आके ट्रांसफर आरएनए जो होता है वो अटैच होता है और सिंथेसाइज करता है प्रोटीन. एंड अदर फंक्शन ऑफ राइबोसोम इंक्लूड द राइबोसोमल सब यूनिट और द प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन द साइटोप्लाज्म. प्रोटीन विच इज सिंथेसाइज्ड इन साइटोप्लाज्म. जो साइटोप्लाज्म में प्रोटीन सिंथेसाइज होती है वो यूटिलाइज हो जाती है बाय साइटोप्लाज्म. यूटिलाइज बाय साइटोप्लाज्म. वो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट नहीं होती, वो यूटिलाइज हो जाती है साइटोप्लाज्म से. और वो प्रोटीन जो सिंथेसाइज होती है सिंथेसाइज बाय बाउंड राइबोसोम्स, जो बाउंड होते हैं विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. राइबोसोम्स वो ट्रांसपोर्ट होती है आउटसाइड द सेल. ट्रांसपोर्ट आउटसाइड द सेल. तो ये एक और फंक्शन है राइबोसोम्स का, क्योंकि राइबोसोम्स फ्रीली भी प्रेजेंट होते हैं और बाउंड भी होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ. मैं आपको ये एग्जांपल बताती हूँ विद डायग्राम. ये हमने कहा कि राइबोसोम्स हैं जो प्रेजेंट हैं फ्रीली विद इन द साइटोप्लाज्म. ये साइटोप्लाज्म है इसके अंदर फ्रीली प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स. और यहाँ पे जो प्रोटीन सिंथेसाइज होगी वो यूज हो जाएगी बाय द साइटोप्लाज्म इटसेल्फ. वो ट्रांसपोर्ट नहीं होती सेल को. डू नॉट
ट्रांसपोर्ट टू सेल, ठीक है, जो प्रोटीन यहाँ पे सिंथेसाइज होगी वो यहीं पे यूज हो जाएगी। और दूसरी फॉर्म ऐसी है राइबोसोम्स की जो अटैच होते हैं विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बाउंड होते हैं विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हैं राइबोसोम्स जो बाउंड हुए हैं विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो जो प्रोटीन सिंथेसाइज्ड होगी बाय दीज राइबोसोम्स, दैट प्रोटीन ट्रांसपोर्टेड टू, ट्रांसपोर्ट होती है आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल, और परफॉर्म करती है डिफरेंट सेलुलर फंक्शन। तो व्यूअर्स, मेरा आज का लेक्चर था अबाउट राइबोसोम, उसका स्ट्रक्चर, फिर उसकी असेंबली, देन उसका फंक्शन, फंक्शन ऑफ राइबोसोम। थैंक यू सो मच व्यूअर्स एंड अल्लाह हाफिज। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट एंड मोर रेलेवेंट वीडियोस। थैंक यू।